वक्रतुंग महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। मृतका का बड़ा भाई मनोज हूँ और हम तकरीबन 15 दिन से कोर्ट इसके थाने के चक्कर काट रहे हैं और हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। पर पुलिस प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और हम तकरीबन 70 किलोमीटर से चल के आते हैं रोज़। हमें यहाँ आने के बावजूद किस किस के आसर पहुँचे हैं? पुलिस प्रशासन ऐसे एच ओ साहब बोलते हैं कि कार्रवाई होगी लेकिन धीरे धीरे से ही होगी। हम किस किस के आंसू पहुँचे हमारे पास में, हमारे पास में और भी केसेज हैं और बहुत काम है। और ये जो घटना है साहब, ये 20 अगस्त की है। 20 अगस्त को माजरी कला में घटना को अंजाम दिया गया था। उसके साथ में 3-4 महीने से तकरीबन अत्याचार हो रहा था। उसके साथ में 25 मई को उन्होंने मारपीट भी की, टॉर्चर किया है, करंट लगाया है और फिर उसके हाथ पैर बांध कर घर वालों ने भी पीटा है उसको। उसके बाद उसको उन्होंने प्रताड़ित करके घर से भगा दिया। उसके बाद में फिर हम 18 तारीख को मैं और छोटा भाई दोनों उसको वहाँ माजरी छोड़ने गए। उसके बाद में 19 तारीख को उन्होंने फिर घर वालों ने उसे मार पीट कर फिर भगा दिया। 20 तारीख को उसका दिनेश का फ़ोन आया, वो बोला कि माजरी आ जाओ। और 20 तारीख को उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और हम करीब 15 दिन से चक्कर काट रहे हैं, कोई हमें इसका वो नहीं मिला है। अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। मारने वाले अभी गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। शायद SHO ने और पुलिस प्रशासन ने मेरे हिसाब से पैसे वगैरह खा लिए हैं, इस वजह से वो कार्रवाई में डिले कर रही है। कोई संतुष्टि नहीं मिली है अभी SHO के पास से भी, और थाने के रोज़ लगातार चक्कर चल रहे हैं। थैंक यू।